प्राइमरी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की अनुपस्थिति के मामले में बीएसए राम सागरपति त्रिपाठी ने एक नई तकनीक इस्तेमाल करते हुए कुछ इस पर लोक लगाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। प्राइमरी स्कूल का नाम लेते ही हमारे जहन में कुछ ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जो पढ़ाई के लिहाज से सकारात्मक नहीं होती। पढ़ाई का ना होना, टीचरों का स्कूल ना आना, ये सभी बातें प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से जोड़कर देखी जाती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ ऐसी तरकीब निकाली है जिससे टीचरों की विद्यालयों में उपस्थिति से संबंधित शिकायत अब दूर हो जाएगी। ये नई तरकीब है वीडियो कॉलिंग। जी हाँ, वीडियो कॉलिंग। अब बीएसए जरूरत पड़ने पर किसी भी विद्यालय में वीडियो कॉलिंग करके वहाँ की स्थिति और हालात को लाइव देख सकेंगे। साथ ही अगर कोई शिकायत करता है कि संबंधित विद्यालय में शिक्षक अनुपस्थित हैं तो वो भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हकीकत की पड़ताल कर लेंगे। इससे जहां एक ओर शिक्षकों के मन में कर्तव्य बोध की भावना आएगी, वहीं दूसरी ओर फर्जी शिकायतकर्ता अब इस रियलिटी टेस्ट से डरेंगे। ये तकनीक केवल शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नहीं अपनाई जाएगी बल्कि इससे विद्यालयों में बच्चों की भी उपस्थिति की जांच हो सकेगी। अपने इस नए तरकीब के बारे में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागरपति त्रिपाठी ने बताया, वीडियो कॉलिंग वाला क्या योजना है, क्या मैडम? देखिए, हमारे यहाँ गोरखपुर जनपद में 19 ब्लॉक हैं, नगर क्षेत्र है, मुख्यालय है और हमारे पास कुल 12 खंड शिक्षा अधिकारी हैं। मेरे पास शिकायतें आती थी कि फलां विद्यालय बंद है, अध्यापक नहीं पहुंचे या फलां अध्यापक अनुपस्थित हैं। तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी हलचल रही कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि मैं हर जगह पहुंच नहीं सकता और यहाँ से जाते जाते हो सकता है स्थिति बदल जाए। तो मैं इसको एक ऑप्शन के रूप में लिया कि जो संबंधित अगर कोई शिकायतकर्ता मुझसे बोलता है कि फला स्कूल आपका बंद है, तो मैं उससे कहता हूँ कि आप स्कूल में चले जाइए और वीडियो कॉल कीजिए मुझे। वीडियो कॉल में आप पूरा स्कूल दिखाइए मुझे, सारे कमरे जो ताले बंद हैं वो दिखा दीजिए। अगर कोई रसोईया या कोई छात्र छात्रा विद्यालय में उपस्थित है तो उससे मेरी बात करा दीजिए। तो ये पूरी तरह से मुझे जाना भी नहीं पड़ता है और मैं वीडियो कॉल के थ्रू विद्यालय का निरीक्षण भी मैं कर लेता हूँ। सर, ये क्या जरूरी है कि जब तक शिकायत ना हो तब तक नहीं, आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं इसका? मैं अपने तरफ से भी वीडियो कॉल करता हूँ, लेकिन सारे अध्यापक हमारे व्हाट्सएप पे नहीं है, तो जो व्हाट्सएप पे हैं उनको मैं कॉल करके उनसे पूछता हूँ। क्या लगता है इससे मेजर चेंज? क्योंकि आज मुझे कोई ये सूचना नहीं आई है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग फर्जी शिकायतें भी करते हैं। तो फर्जी शिकायत का मतलब यह है कि वो आदमी ने फोन कर दिया कि फला स्कूल बंद है, तो जरूरी तो है नहीं। तो मैं उससे कहता हूँ कि वीडियो कॉल करो, अगर वो व्यक्ति सही है तो मुझे वीडियो कॉल करता है, अन्यथा की स्थिति में वो दोबारा मुझे कॉल नहीं करता है। तो ये दो चीज़ें हुई, एक तो वीडियो कॉल से विद्यालयों का निरीक्षण मेरे बिना गए हो जाता है, ससमय हो जाता है, दूसरा ये जो फर्जी शिकायतें लोग करते थे वो भी बंद। तो सुना आपने, अब मास्टरों की क्लास बीएसए साहब अपने एंड्रॉयड फोन से ही ले लिया करेंगे और अगर मास्टर क्लास नहीं लेते तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राइमरी विद्यालय की एक शिक्षिका ने कहा कि निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। की योजना चली है, बीएसए ने अपने तरफ से किया है, क्या कहेंगे आप, कितना लाभकारी है ये वीडियो कॉलिंग वाली जो बात आई है? बहुत सही है मेरे लिए, तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि जो कर रहा है कभी कभी उसके खिलाफ भी ये बातें जाती हैं, गलत गलत सूचनाएं पहुंचती हैं, वो नहीं आते हैं, जो नहीं आता उसके बारे में किसी को बताता ही नहीं है। तो सही है, जो रेगुलर है, जो अपना काम कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे फर्जी शिकायतें नहीं आएंगी? नहीं, फर्जी नहीं आएंगी और जो वास्तव में अपना काम कर रहा है वो तो खुश होगा।
प्रदेश की सरकार शिक्षा के लिए लगातार उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा, ताकि सब पढ़ें, सब बढ़ें।